Hello student, welcome to Sentence in online classes. We all are working from home. Student, in previous video we had solved question number 10.1 from NCERT of chapter 10 wave optics. Let's start to solve next question of this chapter. Question number 10.2. What is the shape of wave front in the following cases? आपको बच्चों वेव फ्रंट का शेप बताना है इन केसेस में. फर्स्ट कंडीशन में क्या पूछा गया है? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. यानी फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है अगर लाइट किसी पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज हो रहा हो, तो एज वी नो दैट अगर लाइट डाइवर्ज हो रहा है किसी पॉइंट से या कन्वर्ज हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है बच्चों? तो वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल होता है. तो क्या होगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का? तो शेप ऑफ वेव फ्रंट इन दिस कंडीशन इज स्फेरिकल. स्फेरिकल वेव फ्रंट. Let's solve second part. Light emerges out of convex lens when point source placed at focus. यानी अगर किसी convex lens के focus point पे हम अगर कोई point source या point object रख दे, तो उससे जो emerge होने वाली light होगी, lens से जो emerge होने वाली light होगी, उसका wavefront कैसा होगा? सबसे पहले ध्यान से इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. एज वी नो दैट फोकस से जाने वाली रेस क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. सो इट बिकम पैरेलल. द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन दिस कंडीशन इज प्लेन वेव फ्रंट. सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में? प्लेन वेव फ्रंट. इट मींस शेप ऑफ इमर्जेंट वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट इन दिस कंडीशन. Let's solve third part. The portion of the wavefront of light from distant star intercepted by earth. तो बच्चों star या sun से जो wavefront produce होता है वो कैसा wavefront produce होता है बच्चों? वो spherical wavefront produce होता है. मगर star और earth surface के बीच का distance क्या है? बहुत ज्यादा है. इस वजह से वेव फ्रंट का वो पार्ट जो अर्थ सरफेस के थ्रू इंटरसेप्ट किया जाता है वो कैसा वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा? वो प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगा. बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर हम स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को बहुत लार्ज डिस्टेंस पे इंसिडेंट करें, तो उस कंडीशन में वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है. सो वेव फ्रंट इन दिस कंडीशन इज प्लेन वेव फ्रंट. So the part of wavefront intercept by the earth surface is plane wavefront. Now student, let's solve next question of this chapter. Question number 10.3. The refractive index of glass is 1.5. So from question, refractive index of glass, it means mu g equal to 1.5. What is the speed of light in the glass? हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्लास में लाइट की स्पीड. एंड इट इज गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸. इट मींस c इक्वल टू 3 × 10⁸. सो स्टूडेंट वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. फॉर ग्लास म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन वी जी. हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सो वी जी इक्वल टू सी अपॉन म्यू जी. बच्चों स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है वैक्यूम में? 3 × 10⁸. और म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.5. सो वी जी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. And let's solve second part of this question. Is the speed of light in a glass independent with the color of light? Student, as we know that refractive index is different for different color. Refractive index is different of different color. Different color.
and refractive index of red color of light is less than refractive index of violet light. And we also know that refractive index जो होता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम में के. तो यहाँ से क्या पता चलेगा बच्चों कि रेड कलर की जो इस लाइट की स्पीड होगी मीडियम में वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वायलेट. इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट कलर इन दैट मीडियम. तो उस मीडियम में इट मीन्स प्रिज्म में रेड कलर की स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वायलेट कलर की स्पीड. Now students, let's solve next question of this chapter, question number 10.5. In young double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, it means young double slit experiment में light जो use किया जा रहा है बच्चों उसका wavelength क्या है? तो wavelength of light is lambda. जो हम mostly मानते हैं. The intensity of light at a point on screen where path difference is lambda is k unit. It means बच्चों young double slit experiment के setup में जिस point पे दो source से जाने वाले light के बीच में और wave के बीच में path difference जब lambda है तो उस condition में जो intensity है स्क्रीन पे वो कितनी है आई. इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन गिवन है व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा देन इंटेंसिटी कितनी है बच्चों देन रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो है वो के यूनिट है. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट a point where path difference is lambda by 3. It means we have to find the intensity, resulting intensity ki value hume find karni hai when path difference is delta x is lambda by 3. Yani screen ke kisi point pe intensity find karni hai jahan do wave ke beech mein path difference kya ho. जब दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या है के यूनिट एंड वी नो दैट रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों. रिजल्टिंग इंटेंसिटी जब दो लाइट कोहेरेंट सोर्स से पास हो रही हो जिसकी इंटेंसिटी सेम हो उस कंडीशन में रिजल्टिंग इंटेंसिटी होता है 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2 वेयर i नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव. दोनों वेव की इंटेंसिटी i नॉट है और phi क्या है बच्चों phi है दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन सबसे पहले हम phi कैलकुलेट कर लेते हैं. फाई कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वी ऑल्सो नो डेट फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. तो फर्स्ट कंडीशन में पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा. सो फर्स्ट कंडीशन में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल यानी फर्स्ट कंडीशन में दोनों वेव का के बीच का फेज डिफरेंस क्या है 2 पाई है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या है के. तो हम इंटेंसिटी को के से रिप्लेस करेंगे और फाई को 2 पाई से. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रिजल्टिंग इंटेंसिटी के जगह क्या यूज कर लेंगे के क्योंकि रिजल्टिंग इंटेंसिटी के कब है जब दोनों के बीच में फाई की वैल्यू 2 पाई है. सो के इक्वल टू 4i नॉट cos स्क्वायर 2π/2. It means when phi equal to 2π, then resulting intensity is k unit. So k equal to 4i naught, 2 से 2 cancel, cos square pi. और cos pi की value क्या होती है बच्चों? Cos pi equal to -1. Put the value of
cos phi in this equation k equal to 4 I naught into minus 1 का whole square. So k equal to 4 I naught. Finally I naught की value क्या हो जाएगी बच्चों, k by 4. इट मीन्स जो दोनों लाइट यू वेव है उन दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी कितनी है, k/4. ये तो फर्स्ट पार्ट से हमने दोनों वेव की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली. अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाय 3 हो तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे. सो वैन डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 3 देन फाई क्या हो जाएगा बच्चों, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 3. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 2 पाई बाय 3. अब फाई की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 2 पाई बाय 3 इन दिस इक्वेशन, और हम वहां से रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो रिजल्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 resulting intensity equal to 4 I naught cos square phi by 2. तो phi की value क्या put कर लेंगे, 2 pi by 3 into 2, 2 से 2 cancel. resulting intensity क्या होगी बच्चों, 4 I naught cos square pi by 3. cos pi by 3 की value कितनी होती है, 4 I naught cos pi by 3 means 1 by 2 whole square. So resulting intensity equal to 4 I naught into 1 by 4. 4 से 4 cancel. Resulting intensity हो जाएगी I naught and I naught is equal to k by 4. So resulting intensity इस condition में k by 4 हो जाएगी. It means बच्चों जब दो wave के बीच में path difference lambda by 3 हो तो उन दोनों के superposition से screen पे जो light form होगा, bright form होगा, fringe form होगा, उस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी k by 4 होने वाली है. जबकि जब दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा था उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या थी, उस कंडीशन में इंटेंसिटी k यूनिट गिवन था क्वेश्चन में. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक. स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.6. A beam of light consisting of two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometer. From question, एक light का beam है बच्चों जिसमें दो color है, एक 650 nanometer के wavelength का और दूसरा 520 nanometer के wavelength का. Is used to obtain interference fringe in young double slit experiment. और इस बीम ऑफ लाइट का यूज किया गया इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर. सो फर्स्ट पार्ट में कहा गया बच्चों कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज का x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, यानी x3 आपको कैलकुलेट करना है किसके लिए, तो वेवलेंथ ऑफ 650 नैनोमीटर के, यानी 650 नैनोमीटर के वेवलेंथ का थर्ड ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट distance between slit and screen is 1.2 meter and distance between both slit is 2 mm. दोनों slit के बीच का separation कितना है बच्चों, 2 mm. Student NCERT के कुछ books में d और small d की value given नहीं है, वो misprint है. So आप लिख लोगे capital D equal to 1.2 meter and small d equal to 2 mm. इसे मीटर में चेंज करें तो 2 into 10 by minus 3 meter. So we know that nth bright fringe का पोजीशन क्या होता है बच्चों, xn equal to n lambda d upon d, पोजीशन ऑफ nth bright fringe. हमें कैलकुलेट करना है थर्ड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन. सो x3 equal to 3 lambda d upon d,
x3 इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू 650 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, डी कितना है बच्चों 1.2 और कैपिटल स्मॉल डी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो वी ऑब्टेन x3 इक्वल टू 1.17 mm। बच्चों स्क्रीन के सेंटर से 1.17 mm डिस्टेंस क्या फॉर्म होने वाला है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होने वाला है 650 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट का। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कंसाइड। इट मींस बच्चों कि सेंट्रल मैक्सिमम से या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जिस डिस्टेंस पे दोनों ही वेवलेंथ के 650 नैनोमीटर के भी और 520 नैनोमीटर के जो ब्राइट फ्रिंज हो वो कंसाइड करते हो। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमने करवाया भी था आपको। स्टूडेंट मान लेते हैं कि वो मिनिमम डिस्टेंस एक्स है जहां पे दोनों ही वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों ही वेवलेंथ के ब्राइट फ्रिंज कंसाइड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे लैम्डा 1 का nth ब्राइट फ्रिंज कंसाइड कर रहा होगा लैम्डा 2 के nth ब्राइट फ्रिंज के साथ। इट मींस लैम्डा 1 के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस xn होना चाहिए और लैम्डा 2 के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस xm होना चाहिए। सो वी नो दैट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज के लिए xn इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। नाउ अगर हम फर्स्ट के लिए लिखे लैम्डा 1 के लिए 4 लैम्डा 1, अगर लैम्डा 1 के लिए हम लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों xn इक्वल टू n लैम्डा 1 d अपॉन d एंड xn क्या है बच्चों x, सो x इक्वल टू n लैम्डा 1 d अपॉन d। सिमिलरली बच्चों अगर हम सेकेंड के लिए लिखे लैम्डा 2 के लिए सो 4 लैम्डा 2, लैम्डा 2 के वेवलेंथ के लाइट की अगर लिखे तो एक्स एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एम लैम्डा डी अपॉन डी और एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों एक्स, सो एक्स इक्वल टू एम लैम्डा डी अपॉन डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, वी हैव एन लैम्डा 1 डी अपॉन डी इक्वल टू एम लैम्डा 2 डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू एम बाय एन। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 520 इंटू 10 पावर माइनस 9, 4। m की वैल्यू 10 हो सकती है तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी, जब m की वैल्यू 15 होगी तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी एंड सो ऑन। इट मींस बहुत से स्क्रीन पे ऐसे पोजीशंस होंगे जहां पे दोनों ही वेवलेंथ के ब्राइट एक दूसरे से कंसाइड कर रहे होंगे, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम पोजीशन। इट मींस मिनिमम पोजीशन के लिए क्या होगा, मिनिमम पोजीशन के लिए m इक्वल टू 5 यूज कर लेंगे या n इक्वल टू 4 यूज कर लेंगे। इट मींस जब लैम्डा 2 वेवलेंथ का फिफ्थ ब्राइट लैम्डा 1 वेवलेंथ के फोर्थ ब्राइट से कंसाइड कर रहा होगा तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस क्या होगा मिनिमम, अदरवाइज कंसाइड करने के तो बहुत से कंडीशन ऐसे आपको स्क्रीन पे मिल सकते हैं। सो फॉर मिनिमम पोजीशन या लीस्ट डिस्टेंस के लिए मिनिमम पोजीशन पुट m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 4, या तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो xn इक्वल टू 4 लैम्डा 1 डी अपॉन डी, 4 लैम्डा 1 कितना बच्चों लैम्डा 1 है 650 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, डी कितना 1.2 अपॉन स्मॉल डी कितनी 2 इंटू 10 पावर
माइनस थ्री। अगर हम इसे सॉल्व करें तो xn की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.56 mm। इट मींस x इक्वल टू 1.56 mm पे दोनों के ही ब्राइट एक दूसरे से कंसाइड कर रहे होंगे। सिमिलरली आप बच्चों m की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट करके भी ये पोजीशन कैलकुलेट कर सकते थे। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.7। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। सो फ्रॉम क्वेश्चन, इन YDSE क्या गिवन है बच्चों, फ्रिंज का विड्थ गिवन है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इट मींस बीटा थीटा इक्वल टू 0.2 डिग्री। अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा थीटा इक्वल टू 0.2 इनटू पाई बाय 180 रेडियन। ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है बच्चों, 1 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, और वेवलेंथ क्या यूज किया गया है इसमें, 600 नैनोमीटर का लाइट यूज किया गया है। इट मींस 6 × 10⁻⁷ मीटर। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल एपरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर। इट मींस बच्चों अगर हम इस पूरे सेटअप को, YDSC के सेटअप को वाटर में इमर्ज कर दे तो उस कंडीशन में एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, बीटा थीटा क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जब हम सेटअप को वाटर में इमर्ज करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी इफेक्ट होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एयर में है, वो लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर वाटर में नहीं होगा, यानी चेंज क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो वी हैव टू फाइंड द बीटा थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ व्हेन सेटअप इमर्ज्ड इन वाटर। जब वाटर में इमर्ज कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। सो स्टूडेंट वी नो दैट बच्चों हमने पढ़ा है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है वो क्या होता है, बीटा थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट। कंसीडर इट इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए देखें तो फोर एयर, अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए बीटा थीटा, एयर में एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना गिवन है बच्चों, 0.2 पाई अपॉन 180, और वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है बच्चों, 600 नैनोमीटर, यानी 6 × 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम वन बीटा थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लैम्डा बाय डी। बीटा थीटा कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू 0.2 पाई अपॉन 180 इक्वल टू लैम्डा कितना गिवन है बच्चों, 6 × 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल डी। यहां से स्मॉल डी कैलकुलेट कर ले तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷ इनटू 180 अपॉन 0.2 पाई। कंसीडर इक्वेशन सेकंड। तो डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर हम इस सेटअप को वाटर में इमर्ज कर दे, सो फोर वाटर, अगर हम वाटर में इमर्ज कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा थीटा इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्मॉल डी। डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला। अब हम क्या करेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का, इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। यहाँ मीडियम क्या है, वाटर। तो यहाँ से वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा डब्ल्यू इन दिस इक्वेशन, वी हैव बीटा थीटा क्या हो जाएगा बच्चों,
लैम्डा डब्लू, लैम्डा डब्लू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा ए अपॉन म्यू डब्लू इंटू डी। बीटा थीटा इक्वल टू लैम्डा ए कितना बच्चों, एयर में 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3 और स्मॉल डी कितना है बच्चों, तो स्मॉल डी यहां से हम पुट कर देंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 180 इंटू 0.2 पाई। अब इसे सॉल्व करें, इट मीन बीटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2/10, 2 2 4 इट मीन्स 1.5/10 बीटा थीटा इक्वल टू 0.15 डिग्री। इट मीन्स बच्चों अगर किसी सेटअप में लाइट यूज किया गया 600 नैनोमीटर का, तो उस कंडीशन में अगर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 डिग्री है, और अगर हम उस सेटअप को वाटर में इमर्ज कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो, तो उस कंडीशन में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा 0.15 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका वेवलेंथ रेयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाता है, और वेवलेंथ के डिक्रीज होने से क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वाटर में एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, 0.15 डिग्री हो गया, जबकि एयर में कितना था, 0.2 डिग्री।